सिर्फ लगा सकता हूँ, अगर कोई मेरे से पढ़ा है ना तो पूरे कोटा के किसी भी टीचर को चैलेंज है, उससे पहले सवाल सॉल्व करके दिखा दें, मुझे तो छोड़ो। आर के पैरेलल में आर कितना, आर के पैरेलल में 2R, 2R/3 याद है ना, एक बार फिर से रिवाइज करा दें। अच्छा ये बताओ, 3R/5 के पैरेलल में 2R/3 हो तो कैसे करेंगे, 3×2=6R, और फिर ये 3 इधर और फिर ये इससे नीचे कितना, 5×2=10 और 9। हाँ अरे वाह याद है यार ये तो, है ना, वो नहीं चलेगा अपने R1 R2 upon R1+R2 का सीटों की तरह लिख रहे हो, वैसा सब नहीं है अपने इधर ना, ये ऊपर वाला यू मल्टीप्लाई, फिर ये वाला इससे और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा ऐड करके नीचे, ठीक ठीक है। अच्छा ये बताओ 2R/3 की सीरीज में 2R करें तो कितना हो जाएगा, 8R/3, सीधे 3×2=6, 2×8 ऐसे है ना, ठीक। ये सब कुछ लिखेंगे नहीं अपन, डायरेक्ट चेपना चालू। मैं से एक भी सवाल आप तब तक नहीं कर सकते जब तक मैं इसका कंसेप्ट ना बता दूं। गलत है, गलत है, कोई भी कर लो गलत है। ध्यान दें, बातें नहीं, हम सीरीज पैरेलल और पैरेलल सीरीज से काफी ऊपर उठ चुके हैं, मतलब कि मोह माया छूट चुका है, आप अभी ठीक ध्यान दें, बातें नहीं। अगर इस सवाल को अगर आपने SCB में सॉल्व देख लिया ना, तो बाकी सवाल करने की औकात नहीं जुटा पाओगे, क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए करीबन 12 लाइनें सॉल्व की गई हैं, ठीक। 12 में उन्होंने कुछ होता है KVL करके, ठीक, उसमें इक्वेशन इक्वेशन लिखते हैं, करंट वरेंट करते हैं, ठीक। बाद में सिर्फ इंडियन राइटर ही ऐसे हैं जिन्होंने इसका तोड़ निकाला, ऐसा नहीं कि मेथड मैंने डेवलप किया है, ठीक। इंडियन जो भी बुक देखेंगे उसमें इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इन सारे सर्किट्स में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि अगर मैं देखूं तो ये सब सिमेट्रिकल हैं। जी देखिए गौर से, सारे के सारे सर्किट लाइन से सिमेट्रिकल का मतलब कोई ऐसे सिमेट्री नहीं ढूंढेगा, ध्यान देना, ऐसे ना। सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर मैं उस लाइन के अबाउट सर्किट को फोल्ड करूं तो बी वाला ए पे आना चाहिए, कुछ बदतमीज लोग ऐसे भी सिमेट्री ढूंढने लगते हैं, ठीक। सिमेट्री का मतलब समझ लीजिए कि अगर मैं उस लाइन के अबाउट सर्किट को फोल्ड करूं तो बी वाला पॉइंट ए पे आना चाहिए, तो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ये वाली होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। ऊपर हेडिंग डाल रहा हूं, कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, गौर से देखें बातें ना करें, ठीक। लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन है जिसके अबाउट अगर मैं सर्किट को फोल्ड करूं तो बी वाला पॉइंट ए पे आना चाहिए, कहने का मतलब मैं यूं भी कह सकता हूं कि जो मिरर इमेज हो लेफ्ट की वो राइट की होनी चाहिए, कहने का मतलब बीच में अगर मिरर रख दूं तो बिल्कुल जैसा सर्किट लेफ्ट में दिख रहा है वैसा ही राइट में दिखना चाहिए, ठीक। जल्दी ना करें, बाद में नोट कीजिएगा, देख सकते हैं लाइन से, ध्यान से सुनिएगा। कल जो हमने सवाल कराया था, अगर मैं इसमें ये सिर्फ वायर लगा दूं तो फिर अब मेरा इमेज नहीं है, सर्किट सिमेट्रिकल नहीं, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस, हाँ, लेकिन अब चूंकि यहाँ रेजिस्टेंस लग चुका है तो सर्किट सिमेट्रिकल है। देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बात नहीं, यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, इसके इसको बाद में देखते हैं, ठीक, कोई दिक्कत इसमें, आप सिमेट्री यहां ढूंढेंगे उससे कुछ उखड़ेगा नहीं, ठीक, इसको बाद में देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबे लंबे सवाल होते थे, मतलब कि ये सवाल क्या, मैं आपको बता दूं, एक एक सवाल, वैसे SC वर्मा का सॉल्ड एग्जाम्पल है, घर जाकर एक बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा कि टफनेस लेवल किस लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक। 12-15 लाइन, उसमें भी भयंकर कैलकुलेशन, KVL KCL और कुछ होता है उसको लगा के, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा माना जाता था कैलकुलेशन करने के बाद कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितने भी पॉइंट है ना, इन सबका पोटेंशियल सेम है, सबका, कहने का मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनका पोटेंशियल क्या होता है, सेम, इक्वल पोटेंशियल। अब खुद बताओ कि अगर कोई रेजिस्टेंस ऐसी जगह पड़ जाए जहां पोटेंशियल सेम है, पूरा रेजिस्टेंस एक पॉइंट नहीं, तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगी, क्योंकि करंट तो हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है,
और वी वन वी टू बराबर हो गए तो ऐसे रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो, तो इसका मतलब है कि याद रखना पूरा रेजिस्टेंस अगर लाइन ऑफ सिमेट्री पड़ रहा है तो कोई एक पॉइंट पड़ रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो इसका मतलब है कि ऐसे रेजिस्टेंस जिसमें करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं आ रहा, उसको सर्किट में रखें या ना रखें उससे कोई फर्क, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम ये कह रहे हो कि यार इस पॉइंट का पोटेंशियल, सॉरी तो थोड़ा डायग्राम और अच्छा बनाऊं, ध्यान देना, अगर तुम ये कह रहे हो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल वही है जो इस पॉइंट का है, तो क्यों ना फिर इस पॉइंट को यहां ना जोड़ के थोड़ा ऊपर जोड़ दें। बात तो एक ही भाई, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितने भी पॉइंट हैं सारे सेम पोटेंशियल पे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस पॉइंट को, इस नोक को यहां जोड़ें या यहां जोड़ें, बात एक ही है। थोड़ा सा ऊपर खिसकाओ, थोड़ा सा नीचे खिसकाओ, उसके बाद सब दिखेगा। अब देखने के लिए खिसकाना तो पड़ेगा। अच्छा, कोई रेजिस्टेंस अगर पूरा पूरा लाइन ऑफ सिमेट्री पे पड़ रहा तो उस रेजिस्टेंस को हटा दो। अब भैया वो आपका हेडक है, मेरा नहीं है, मेरे पास है बोर्ड। गौर से देखें, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस अगर लाइन ऑफ सिमेट्री पे पूरा पड़ रहा है तो उसे हटा दें। ओहो, इसको थोड़ा ऊपर खिसकाएं। अच्छा मैं बताता हूं आपको, अगर पूरा नहीं बनाना है, जैसे आपने डायग्राम बना रखा है तो आपके पास दूसरा कलर का पेन है ना, तो उसमें ऐसे बना दो बस यहां पे ऐसे, ठीक। सपोज दैट कि आपके पास, आप काम चोर हैं और आप पूरा डायग्राम नहीं बनाना चाहते दोबारा से, तो इस पे क्रॉस मार दो भाई, मैं हटा रहा हूं तुम क्रॉस मार दो, ठीक। और तुम अगर इसको पूरा नहीं बनाना चाहते हो तो तुम ऐसे करके दिखा सकते हो, ऐसे ऐसे बस इतना दिखा दो, तुम्हें याद रह जाएगा। लेकिन मैं तो चूंकि पूरा सॉल्व करना, इसलिए थोड़ा सा नीचे खिसकाओ, थोड़ा सा ऊपर खिसकाओ, फिर सब दिखेगा। ओहो हो, इसको यहां जोड़े हैं, थोड़ा ऊपर जोड़ते हैं, कोई दिक्कत? ओहो हो, अति उत्तम हो गए सारे। ओहो हो, पंडित जी चाय लेके आ गए। ओहो हो, कोई बचा? ध्यान दो पंडित जी, जरा स्वतः गिनती गिनना ही खड़े होके, ठीक। सामने देखें, रुक जाओ भाई, दो मिनट काम धंधा टाइम है। अब होगी कैलकुलेशन, ध्यान से देखना, गंदी कैलकुलेशन। अच्छा, जब भी सॉल्व करें तो जो चीज लटक वटक रही है ना, पहले उसको सॉल्व कर लिया जाता है। जैसे बड़ा पेड़ हो तो कैसे कटते हैं, पहले पत्ते वत्ते जो, तो पहले आर, आर और आर, टू आर के पैरेलल में आर, टू आर बाई थ्री के सीरीज में टू आर। पहले ही मैं लिख के बैठा हूं मुन्ना, 8R by 3 के पैरेलल में 2R। हाँ बोलो बोलो जल्दी, 8 दुनी 16, 3 दुनी 6, 16R by 8R by 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दोबारा बोलूं एक बार फिर से देख लो क्या दिक्कत है। R और R, जल्दी R और R, 2R के पैरेलल में R, 2R by 3, 2R by 3 के सीरीज में 2R, 8R by 3 के पैरेलल में 2R। तो फटाक से 8R by 3 के पैरेलल में 2R लिख के, बस इतने लिखो बस, अगर लिखना ही पड़े तो इतना। और फिर क्या करो, 8 दूनी 16 और नीचे 3 दूनी 6 प्लस 8 14। ध्यान देना भाई, एक बार सामने देखो, बेवकूफ होगा वो आदमी जो इसको भी सॉल्व करेगा, क्योंकि 5 मिनट पहले तो किया ही है। R और R, 2R के पैरेलल में R, 2R by 3, 2R by 3 के सीरीज में, रुक जाओ, 2R by 3 के सीरीज में 2R, 8R by 3, 8R by 3 ऊपर का, 8R by 3 कितना हुआ 4R by 3, 4R by 3 के पैरेलल में 2R। बोलो 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 जल्दी, 3 दूनी 6 और 8 पक्का 4R by 5। ध्यान देना भाई, R और R, R और R, 2R 2R, R के पैरेलल में R, ये तो ऐसे उड़ेंगे ना तोते की तरह। याद रखना, पैरेलल में जब भी सॉल्व करना तो बड़े रेजिस्टेंस पहले सॉल्व करना, ठीक। ऐसे नहीं कि गधों की तरह, मास्टर कैसे कहता, 1 बाई आर इक्वल 1 बाई टू आर प्लस 1 बाई टू आर प्लस 1 बाई आर, बक आर और आर, आर और आर, टू आर टू आर, आर के पैरेलल में आर। ध्यान दें, आर और आर, आर और आर, टू आर टू आर, आर और आर, आर और आर, R R R, 2R 2R 2R,
सही है। यहाँ आओ, आर और आर, आर और आर, टू आर टू आर, आर आर आर, होल्ड करो यहाँ थ्री आर पे, आर और आर, टू आर टू आर, आर के पैरेलल में थ्री आर, गाट गधे, आर के पैरेलल में थ्री आर, कल बताया था थ्री तो बन जा थ्री और तीन और एक नीचे चार, कोई दिक्कत पक्का, आगे चलें। ओहो, आर और आर, आर और आर, आर और आर, टू आर टू आर टू आर, टू आर बाई थ्री के सीरीज में आर, पता चला कैसे? अरे भाई टू आर बाई थ्री प्लस आर करोगे तो मैं क्या चाहता हूँ, मनी मन में तीन ऊपर दो नीचे, सही है, कोई दिक्कत? देखो अरे मैं सिर्फ लगा सकता हूँ, अगर कोई मेरे से पढ़ा है ना तो पूरे कोटा के किसी भी टीचर को चैलेंज है, उससे पहले सवाल सॉल्व करके दिखा दे, मुझे तो छोड़ो, मैं तो बाद में फाइट में आऊंगा, ठीक, स्टूडेंट से भी पहले तुम जीत के दिखा दो। आओ भाई, आर और आर, आर और आर, टू आर टू आर, आर आर आर, ऊपर का थ्री आर तो नीचे का भी खत्म। नाउ देखो, ध्यान से देखना, आर और आर, आर और आर, आर और आर, रुक जाओ, पहले बड़े सॉल्व करना है रूल, आर 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 आर, आर 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 आर, फोर आर फोर आर, टू आर टू आर टू आर टू आर, अगर तुमने पहले छोटे सॉल्व किए होते ना तो फंस जाते, सही है, तरीका वही है, पैरेलल में जब भी सॉल्व करोगे तो बड़े रेजिस्टेंस पहले निपटा लो, सही है। तुम क्या सोच रहे थे, टू आर टू आर करके टू आर बाई थ्री, और टू आर बाई थ्री करते ही फंस जाते कैलकुलेशन में, आर 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 सारे सीरीज में, फोर आर 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 आर, फोर आर फोर आर फोर आर, टू आर टू आर टू आर टू आर टू आर, टू आर टू आर टू आर टू, चार बार किया था टू आर बाई फोर, मतलब आर बाई टू, कोई दिक्कत? आओ बांगड़ू इसको सॉल्व करते हैं, आर और आर, आर और आर, टू आर टू आर, आर के पैरेलल में आर, आर बाई टू के सीरीज में टू आर, फाइव आर बाई टू, सही है। अरे टू आर प्लस आर बाई टू, दो और आधा अढ़ाई होता है, अढ़ाई मतलब फाइव आर बाई टू, फाइव आर बाई टू के पैरेलल में टू आर, पांच दूनी दस अपॉन, अति उत्तम, ध्यान से देखें। अच्छा कोई बच्चे इसमें बोल सकता सिमेट्री नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको बी डेस मान लो, ए और बी डेस में तो है, तो इसमें सिमेट्री लाइन हो गई, फिर इसके जो रजिस्टर है उसके सीरीज में इसको ले लो। भाई एक बच्चा मेरे साहब बोले सर ए और बी में तो सिमेट्री नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको बी डेस मान लेता हूँ, इतने को सॉल्व कर लूँगा, फिर उसके सीरीज में आर जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरीके से ध्यान दें, ये ए है ना, रुक जाओ, मैं इसको बी डेस मान रहा हूँ और इसको इधर ए डैस, ध्यान देना ए और बी डैस में सिमेट्री है कि नहीं, और इधर ए डैस और बी में है, हाँ है ना, दो लाइन ऑफ सिमेट्री डाली, ध्यान देना भैया। ओहो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, ओहो ओहो, ओ बच्चों का सवाल, आर आर आर, आर आर आर, टू आर टू आर, आर 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 टू आर, आर 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 टू आर, टू आर टू आर, आर 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 आर, ऊपर का फोर आर नीचे का फोर आर, बात तेरी था। ओह ये वाला लुक एट दिस, कौन सा 14 करूंगा ना अभी, आर आर आर, आर आर आर, टू आर टू आर, आर के पैरेलल में आर, आर बाई टू के सीरीज में टू आर, फाइव आर बाई टू, फाइव आर बाई टू ऊपर, फाइव आर बाई टू नीचे, फाइव आर बाई फोर के पैरेलल में टू आर, है को होना बच्चे जो कैलकुलेशन कर दे, पांच दूनी दस, ओहो बेचारा इतना बड़ा बड़ा सवाल, इसको बस देख लेना तुम, जो इसको ऐसे चुन्नू से मुन्नू करते हैं, इसको एससीबी में सॉल्व एग्जांपल है, देख लेना एक बार, ठीक, पसीना निकल जाए मतलब दम निकल जाए तो करेगा क्या बे, ठीक, उसी से अंदाज लग जाएगा कि ये, ओहो एक चीज बताऊं राज की बात, ये और ये सवाल सेम है, माचिस की डिब्बी ली है, करे माचिस डिब्बी है जेब में डाल लो पिचक जाएगी, दिखाता हूँ आपको, देखो दिखाऊं, किसी भी 3D को 2D में चेंज करना है, 2D को 3D में, देखना गौर से,
भाई मैं तो ऐसे एक बार ऐसे देखा, भाई सबको पता मेरे बारे में, तो बता ठीक। माचिस डिब्बी ऐसे ली थी, जेब में डाल ली, अब दो तीन बार बैठ गए तो निकली, 2D में डाली तो 3D थी। कहने का मतलब देख, ध्यान से दिखाऊं? देखो देखो एक मिनट ध्यान दो, ये जो ऊपर का दिख रहा है ना चार, ये चार है, देखो एक मिनट देखा, और जो ये नीचे के चार दिख रहे हैं ये अंदर वाले चार हैं, और जो ये साइड के चार दिख रहे हैं ये 1 2 3 4, बस अंतर ये कि 2D है तो लाइन ऑफ सिमेट्री चलता है और 3D है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चलेगा। देखो दिखाएं तुम्हें, ये देखो ये वही प्लेन है जो कि पूरे को सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देख लो सही है। अगर 2D फोटो है तो लाइन ऑफ सिमेट्री से काम चल जाएगा, 3D है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से। आपको बता दें वही दो रेजिस्टेंस हैं, थ्री आर बाई फोर, और तुम इस सवाल की बात कर रहे हो इसकी? अबे इसके ऊपर बैठ जाओ, थोड़ा गड़ेगा लेकिन ये 2D में कन्वर्ट हो जाएगा, बैठोगे तो नॉक है ना भाई। आपको बताऊं ये ऐसे स्क्वायर था, ध्यान देना, ऐसे चोंच थी, अब इसके ऊपर जाके बैठ जाओ, बैठते ही ये पता कैसा बन जाएगा? आहा, अबे तुम चुप रहो, आतना जाता चुनाव चिन्ह छाता, छाते पे मोहर लगाए भाई साहब को भारी बहुमतों से। बताओ पी पॉइंट कहाँ गया, पता है? ये आ गया, ये दिखा, समझ गए क्या? अबे इसकी नोक को ऐसे पकड़ो, बाहर खींच दो, 3D, बैठ जाओ 2D, कोई दिक्कत? अब सुनो, लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये रही ठीक। इसको थोड़ा ऊपर खिसकाओ, इसको थोड़ा नीचे खिसकाओ, शुरू करें। R R R, 2R के पैरेलल में R, 2R बाई 3 के सीरीज में 2R, 8R बाई 3 सही है, ऊपर 8R बाई 3 है, फिर ये R और R, 2R के पैरेलल में R, तो 8R बाई 3 के पैरेलल में है कोई होनहार बच्चा जो इसको सॉल्व कर दे? 16, आगे बोलो, 8 या 24 है पक्का? अब चाहो तो 8R/15 कर लेना। बड़े आए 3D 3D कर रहे थे 1 घंटे से, सारी रामलीला समाप्त हो चुकी है, कोई दिक्कत? बस कॉपी में बस यही दिखता है अपने, और कुछ नहीं दिखता है। आंसर सॉल्यूशन तो तुम्हारे दिमाग में है। हाँ बोलो, हाँ किसी को कोई भी दोबारा पूछना है? तो जब भी सर्किट सिमेट्रिकल हो तो वहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज करें। लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन है जिसके सारे पॉइंट क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल पे, ठीक। थोड़ा सा ऊपर खिसकाओ, थोड़ा सा नीचे खिसकाओ, उसके बाद दिखेगा।